और चलिए इस बीच एक और अहम खबर मिल रही है, सीधे दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। देखिए किसान आंदोलन का आज है दूसरा दिन। किसान आंदोलन में अब तक 24 जवान घायल हो चुके हैं और लगातार इसको लेकर मैं आपको अपडेट दे रहे हैं। डीएसपी समेत हरियाणा पुलिस के 24 जवान घायल हुए। दरअसल शंभू बॉर्डर पर काफी ज्यादा तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी उस दौरान में, जब अब किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले जब दागे गए उस दौरान में उनकी ओर से पत्थरबाजी शुरू हुई और उसी पत्थरबाजी में बैरिकेडिंग हटाने में लगभग 24 जवान घायल हुए, जिनसे हरियाणा के गृह राज्य मंत्री की ओर से मुलाकात भी की गई। हरियाणा के गृह मंत्री की ओर से मुलाकात की गई, अनिल विज वहाँ मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन घायल जवानों से उन्होंने बातचीत भी की। तो फिलहाल हरियाणा से तस्वीरें सामने आ रही हैं, डीएसपी समेत हरियाणा पुलिस के 24 जवान घायल हुए कल की उस पत्थरबाजी में। किसान आंदोलन में अब तक 24 जवान घायल हो चुके हैं। और देखिए आज भी किसान दिल्ली कूच करेंगे और क्योंकि लगातार किसान कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों के लिए दिल्ली जाकर ही रहेंगे। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में इस वक्त पुलिस बल तैनात है और साथ ही साथ दूसरा दिन है आज। टीकरी बॉर्डर पर कंक्रीट के स्लैब बढ़ाए गए हैं क्योंकि कल बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया था किसानों ने। और अब गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम लग चुका है, सुबह लगभग 8 बजे से ही लंबा जाम लगना शुरू हो गया था। सिंघू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए खासी तैयारियां की गई और वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस के जवानों और दंगा नियंत्रण वाहन की तैनाती भी की गई और जंतर मंतर में पहुंच के ही दरअसल प्रदर्शन करने की इन लोगों ने ठानी है। और इस वक्त वहाँ पर स्थिति क्या है, किस तरीके से पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, किस तरह से पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, इसकी जानकारी देंगे सुरेश। सुरेश क्या तस्वीरें इस वक्त वहाँ पर हैं किसानों को, अगर किसान कोई आ भी जाए या अंदर ही दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हो जाए तो किस तरीके से निपटने की तैयारियाँ की गई हैं? देखिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी पूरी कर रखी है आंदोलनकारी किसानों से निपटने के लिए। पूरे जितने भी सीमाएँ हैं दिल्ली से सटी सीमाएं, वहां पर चौकसी और भी बढ़ा दी गई है क्योंकि आज आंदोलनकारी किसानों का दूसरा दिन है और किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली की ओर कूच करके ही रहेंगे और उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश से बात करें, उत्तर प्रदेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और जैसे सिंधु बॉर्डर पर बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर आज जो है वज्र वाहन तैनात कर दिया गया, यानी जो वज्र वाहन जो होता है दिल्ली पुलिस का दंगा निरोधक जो वज्र वाहन होता है, तमाम सुसज्जित होता है, उसके तमाम जो है उपकरण होते हैं उनसे सुसज्जित जो वाहन है वहाँ उनको तैनात कर दिया गया है। यानी कि कल जो हुआ था सिंधु बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ था उसके बाद से पुलिस अब ज़्यादा चौकसी बरत रही है। और दिल्ली में मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को दिखाएंगे कि दिल्ली का जो नई दिल्ली इलाका है, क्योंकि जैसा कि थानेश्वर ने बताया कि किसानों की मंशा है कि वो दिल्ली में घुस सकते हैं एक एक करके दो दो करके, क्योंकि किसानों की एंट्री पे बैन लगी है, आम आदमी की एंट्री बैन नहीं लग पाई है। तो उसको देखते हुए कि खुफिया विभाग से जो पुलिस को जानकारी मिली है कि किसान किसी भी तरह दिल्ली में प्रवेश कर सकते, उनको रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये अशोक रोड है और आप यहाँ पर देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है कि गाड़ी में जो बैठे लोग उनको देखा जा रहा है कि वो कौन लोग हैं। कुछ गाड़ियों जिनपे सड्डिक गाड़ियाँ जो होती हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए। यानी कि पुलिस की जो चौकसी बढ़ा दी गई है और ठीक मेरे सामने पे कहूँगा अपने कैमरामैन को कि पैन करके दिखाएंगे, ये जयसिंह जो रोड है ये सीधा रास्ता जाता है जंतर मंतर की तरफ और ठीक इसके बगल में पुलिस मुख्यालय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रास्ता ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ से किसी भी यहाँ तक, जबकि चंद कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस मुख्यालय है। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस के जवान है, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो पुलिस मुख्यालय में है, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भी एंट्री यहाँ से बैन कर दी गई है क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है कि किसान किसी ना किसी रूप में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह सुरक्षा बढ़ा दी। आप देखिए कि गाड़ियाँ खड़ी है क्योंकि जो रास्ता है ये पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ भी जाता है, यहाँ से सीपी जाते, तमाम जो स्पेशल सीपी है, ज्वाइंट सीपी है, डीसीपी है, तमाम लोग जाते हैं, लेकिन इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ से पुलिस अधिकारियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। समझ सकते हैं कि पुलिस कितने हाई अलर्ट मोड पर है क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने कल जो उपद्रव किया है उससे साफ जाहिर होता है किसान अब मानने वाले नहीं है, वो किसी भी सूरत में दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे और उनकी मंशा है दिल्ली में प्रवेश करके। कितनी फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं दिल्ली के अंदर अलग 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 इलाकों में और क्योंकि कई मेट्रो स्टेशन भी बंद है, ऑलमोस्ट 7 ऐसे मेट्रो स्टेशन थे, अब इसको लेकर भी कोई नया अपडेट है क्या ताकि जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो थोड़ा खुद को अपडेट कर पाए? जी बिल्कुल बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां तैनात की गई जिसमें सबसे जो है वो है आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात की गई है, महिला बटालियन तैनात की गई है, सीआरपीएफ की बटालियन तैनात की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, यानी दिल्ली पुलिस के जो जितने भी जो बटालियन में तैनात जवान हैं उन सबको सड़क पर उतार दिया गया है
क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में एंट्री ना कर पाए। चलिए आपके पास वापस, तो इस बीच एक बड़ी खबर आ रही थी, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पहले, मैं फिर आपके पास आ रही हूँ बाकी अपडेट के लिए।